कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात, संगीन गलतियों का इंकशाफ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत नजरअंदाज की गई। तैयारे के लैंडिंग गियर खुले हुए थे, लैंडिंग गियर खुले ना होते तो पायलट को मुख्तलिफ वार्निंग्स मौसूल होती। बुलंदी ज्यादा होने के बायस ATC ने पायलट को लैंडिंग से मना किया, मगर पायलट ने इसरार किया कि वो मेंटेन कर लेगा। दूसरी बार लैंडिंग के दौरान इंजन कई बार रनवे से टकराए, जबकि तीसरी बार तैयारा मतलूबा बुलंदी तक न उठ सका और गिरकर तबाह हो गया। लॉकडाउन में नरमी से कोरोना ने सख्त वार शुरू कर दिए। मुल्क भर में एक दिन में 78 अफराद जिंदगी हार गए। मजमुई तौर पर अमवात 1395 तक पहुंच गई। 24 घंटों में मजीद 2429 केसेज रिपोर्ट। 66457 अफराद मौलिक मर्ज का शिकार बन चुके। मुआवने खुसूसी से डॉक्टर जफर मिर्जा ने मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। मीडिया ब्रीफिंग में बताया केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, मुकामी सतह पर मुंतकली की शराब 92% पर आ गई। सूरत हाल के पेश नजर अहम इकदाम नागुजीर। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर COVID-19 का इजलास 1 जून को तलब, बड़े फैसलों का इम्कान। शहर कायद में कोरोना की खतरनाक सूरत हाल, मेयर कराची वसीम अख्तर का शहरियों के नाम अहम पैगाम, कहा केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले, मास्क पहने, सामाजिक फैसला भी अपनाएं, एहतियात ना की तो अस्पतालों में जगह खत्म हो जाएगी। कोरोना का डर ना सेहत का ख्याल, ट्रांसपोर्टर सड़कों पर गाड़ियां लाने पर बसित। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने 1 जून से ट्रांसपोर्ट चलाने की धमकी दे दी। इरशाद बुखारी कहते हैं लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टर्स माली परेशानी का शिकार हैं, बच्चों को भूख से नहीं मार सकते। वजीरे ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह ने ट्रांसपोर्टर्स के फैसले को कोरोना बम चलाने के मुतरादिफ करार दे दिया। बोले सिंध हुकूमत नेशनल कॉज के लिए इकदाम उठा रही है, चाहते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर बंद ना हो, SOPs तैयार हैं, NCC इजलास में जो फैसला होगा उस पर सिंध हुकूमत अमल करेगी। पंजाब में कोरोना के वार, नौजवान अफराद ज्यादा होने लगे शिकार। महकमा सेहत के मुताबिक 16 से 30 साल तक के 7000 से जायद मर्द खवातीन वायरस से मुतासिर हुए। 15 साल तक की उम्र के 1438 बच्चे भी कोरोना वायरस की जद में आ गए। 75 साल और उससे जायद उम्र के सिर्फ 351 अफराद ही मौलिक मर्ज का शिकार बने। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बार फिर आवाम से एहतियात की अपील कर दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार, सूबे में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पुरअज़्म। नए कवानीन बनाने की हिदायत, मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर लाजमी अमल दरामद कराने का हुक्म। पंजाब में पार्क्स, रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ इदारों को खोलने के लिए विफाक को सिफारिशात पेश करने का फैसला। बलूचिस्तान हुकूमत का कोरोना सिस्टर्स के शोहदा पैकेज देने का फैसला। तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं लॉकडाउन में नरमी के बाद केसेस में 10 से 12% इजाफा हुआ, 1669 नए केसेस सामने आए। ये भी वाजे किया निजी स्कूल मालकान की धमकियों के बावजूद सूबे में 15 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। वजीरे मुमलिकत शहरियार आफरीदी भी कोरोना वायरस में मुब्तला, ट्विटर पैगाम में टेस्ट रिपोर्ट मजबत आने की तस्दीक कर दी। पंजाब असेंबली में लीगी MPA राना आरिफ इकबाल भी वायरस से मुतासिर, अहलिया और 4 बच्चों में भी मर्ज की तशखीस। सूरत हाल के पेश नजर स्पीकर पंजाब असेंबली का 5 जून को होने वाला इजलास पंजाब असेंबली के बजाय मुकामी होटल में मुनाकिद करने का फैसला। प्लीज आप लोग अपने अपने घर में रहें, सेफ रहें। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो लोग कहते हैं कि यंग लोग सरवाइव कर जाते हैं, सब झूठ है। मेरा 23 इयर्स का कजन जो है उसकी डेथ हो गई कल रात को। कोरोना वायरस से अदाकारा आमना मलिक के कजन इंतकाल कर गए। कौम के नाम आमना मलिक ने आंसुओं और आहों से भरा पैगाम दिया, कहा खुदारा कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात करें, ये खतरनाक है, मैंने अपना कजन खो दिया जो सिर्फ 23 साल का था।
चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। शाहिद खाकान अब्बासी ने मरकजी किरदार इमरान खान, उस्मान बुजदार और असद उमर को करार दे दिया। बोले कमीशन ने सिर्फ रिपोर्ट दी, हकायक बताए न जिम्मेदारों का तायुन किया। वजीर आजम इमरान खान का भी नाम नहीं। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का रद्दअमल, कमीशन की रिपोर्ट शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ के खिलाफ चार्जशीट करार दे दी। कहा कमीशन की सिफारिशात पर क्रिमिनल केसेस बनेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में चाय पीते हुए एक और तस्वीर वायरल, क्या हुई? हुकूमती सफों से तनकीदी नश्तर बरस पड़े। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, हमारे इंसाफ के निजाम, कानून, इंतजामिया और अदालती निजाम का मुंह चढ़ाती ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिर अवाम एहतसाब के निजाम पर कितना एतमाद कर सकते हैं। शहबाज गिल ने लिखा, इसको कहते हैं फ्रॉड, झूठ और बीमारी, वो भी सब एतमाद के साथ, सारा खानदान मफरूर एतमाद के साथ। नवाज शरीफ की तस्वीर वायरल होने पर मरियम नवाज का रद्दअमल, ट्वीट किया कि ये तस्वीर का मकसद तशहीर नहीं तजलील था, जो हर बार की तरह उल्टा हो गया। ये लोग आईसीयू में घुसकर मेरी बेहोश मां की तस्वीर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इनके लिए मियां साहब की घर की खवातीन और बच्चियों समेत छुपकर तस्वीर बनाना क्या मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, आज 12 बजे में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान सुल्तान। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात से, जिसमें संगीन गलतियों का इंकशाफ हुआ है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत नजरअंदाज की गई, तैयारे के लैंडिंग गियर खुले हुए थे, लैंडिंग गियर्स खुले ना होते तो पायलट को मुख्तलिफ वार्निंग्स मौसूल होती। बुलंदी ज्यादा होने के बायस ATC ने पायलट को लैंडिंग से मना किया, मगर पायलट ने इसरार किया कि वो मेंटेन कर लेगा। दूसरी बार लैंडिंग के दौरान इंजन कई बार रनवे से टकराए, जबकि तीसरी बार तैयारा मतलूबा बुलंदी तक ना उठ सका और गिरकर तबाह हो गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, मुल्क में लॉकडाउन में नरमी और शहरियों की बेएहतियाती के नतीजे जाना शुरू। कोरोना ने सख्त वार शुरू कर दिए, मुल्क भर में एक दिन में रिकॉर्ड 78 अफराद जिंदगी हार गए। मजमुई तौर पर अमवात 1395 तक पहुंच गई। 24 घंटों में मजीद 2429 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत ने मुल्क भर में पब्लिक मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। जफर मिर्जा ने खबरदार किया कि केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, मुकामी सतह पर मुंतकली की शराब 92% पर आ गई। सूरत हाल के पेश नजर अहम इकदामात नागुजीर हैं। अब तक टोटल 1395 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से। पिछले 24 घंटों में ये नंबर जो था वो 78 था। जब से ये वबा पाकिस्तान में शुरू हुई है, किसी भी एक दिन ये सबसे बड़ा नंबर है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी। 24 घंटों में 78 अफराद लुकमाए अजल बने, जो एक दिन में पाकिस्तान में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात है। इसका इम्कान था, है और अभी मुस्तकबिल में कुछ अर्सा रहने का इम्कान भी है कि हमारे यहाँ केसेस भी बढ़ेंगे और अमवात भी। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना के मकामी सतह पर फैलाव की शरह 92% है, लिहाजा अवामी मकामात पर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे रहे हैं। मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे रहे हैं, ये अब ऑप्शन नहीं है, आपकी ख्वाहिश नहीं है। ये कपड़े का मास्क भी हो सकता है, मस्जिद के अंदर, बाजारों में, दुकानों के अंदर, शॉपिंग मॉल्स हों या छोटी दुकानें हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़राए आमद और रफ्त जब आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जहाज़ है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो बस है, चाहे वो वैगन है, मास्क पहनना लाजमी है। जफर मिर्जा ने बताया कि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की सेहतियाबी की शरह 36% है, शहरियों को तय करदा ज़ाब्ते कार और गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। कौमी राब्ता कमेटी का इजलास अब 31 मई के बजाय 1 जून को होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी राब्ता कमेटी के इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया, इजलास अब 1 जून को होगा। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में लॉकडाउन में नरमी या मजीद सख्ती से हवाले से फैसला किया जाएगा। कौमी राब्ता कमेटी कोरोना से बचाव के इकदाम का जायजा लेगी।
कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस पर मेयर कराची वसीम अख्तर को तश्वीश, कहते हैं कराची में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहरी एहतियात करें और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। एहतियात ना की गई तो कहीं अस्पतालों में जगह कम ना पड़ जाए। तेजी से कराची में कोरोना वायरस फैल रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें एहतियात करें, हम गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, आपस में फासला रखें, हाथ धोएं और मास्क जरूर पहने। हम इन चीजों पे अमल करेंगे तो हम इस वायरस से खुद भी बच सकते हैं, अपने घर वालों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। हम एहतियात अगर नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता अस्पतालों में गुंजाइश खत्म ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हम अपने मरीजों की देखभाल ना कर सकें। तो हमें सबको इस पे सख्ती से अमल करना होगा ताकि हम इस वायरस से खुद भी बच सकें और अपने लोगों को भी बचा सकें। कोरोना वायरस से अदाकारा आमना मलिक के कजन इंतकाल कर गए। कौम के नाम आमना मलिक ने आंसुओं और आहों से भरा पैगाम दिया। कहा, खुदारा कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात करें, ये खतरनाक है। मैंने अपना कजन खो दिया जो सिर्फ 23 साल का था। प्लीज आप लोग अपने अपने घर में रहें, सेफ रहें। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जो लोग कहते हैं कि यंग लोग सरवाइव कर जाते हैं, ये सब झूठ है। मेरा 23 इयर्स का कजन जो है, उसकी डेथ हो गई कल रात को। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। सलमान मलिक, हमने अपना बहुत डियरेस्ट कजन खोया। आप लोग प्लीज़।